चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटेजी नंबर 87। आज हम लोग सीखेंगे कि इस स्ट्रेटेजी से हम मार्केट में वो कंपनीज कैसे आइडेंटिफाई करें जो बहुत ऊपर भाग जाती है। हम बहुत सी बार देखते हैं कि वो कंपनियां जो बहुत जल्दी बहुत ऊपर भाग गई है, वो कंपनी या तो बड़े प्लेयर्स के पास पास होती है या फिर एफआरआई के पास होती है। हम आम आदमी जब तक उस कंपनी को लेने जाते हैं, जब तक उस प्राइस को समझ पाते हैं, तब तक प्राइस ऊपर भाग चुके होते हैं। तो आज हम लोग ये सीखेंगे कि इन कॉन्सेप्ट को कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे वो कंपनी ढूंढे जिसमें बड़े प्लेयर जबरदस्त इन्वेस्टमेंट करते हैं और हम उन कंपनीज को इनिशियली आइडेंटिफाई करके कैसे उनमें बहुत सारा पैसा अर्न कर लें। क्योंकि उन कंपनीज में जो पैसा लगा होता है वो होता है एफआरआई का, म्यूचुअल फंड का, और आप देख सकते हैं बड़े बड़े ऑपरेटर्स ऐसी कंपनीज में खूब सारा इन्वेस्टमेंट करके आज आप देखेंगे कि एक शेयर 100 रुपए का होगा, हो सकता है एक साल बाद आपको 3000 रुपए का मिलेगा। तो अगर इनको आइडेंटिफाई करना हम लोगों को सीखना है तो हम लोगों को स्पेसिफिक ट्रिक को अप्लाई करना होगा। ये ट्रिक जो है बड़ी सिंपल है, क्योंकि ये जो ट्रिक सीखेंगे इसमें हमारा फोकस होगा म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर पे। एक फंड मैनेजर वो होता है जो एफआईआई से लेके ऑपरेटर हर स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करता है और उसको समझता है। हम उन फंड मैनेजर्स को डायरेक्ट ऑब्जर्व करके वो कंपनीज आइडेंटिफाई कर लेंगे जो एफआईआई की फेवरेट कंपनीज होती है। आइए देखते हैं कैसे। इसको देखने के लिए सबसे पहले हमको जाना पड़ेगा moneycontrol.com पे। आप देख सकते हैं जैसे ही moneycontrol.com पे जाएंगे आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। यहां पर moneycontrol.com पे आपको सबसे पहले एनालिसिस करना स्टार्ट करना है म्यूचुअल फंड कंपनीज का। और म्यूचुअल फंड कंपनीज का आप एनालिसिस कैसे करेंगे, आपको यहां पे एक पॉइंट दिया हुआ है, कॉलम दिया हुआ है म्यूचुअल फंड का। आपको जाके यहां पर इस म्यूचुअल फंड के कॉलम को क्लिक करना है। जैसे ही आप इस म्यूचुअल फंड के कॉलम को क्लिक करेंगे आप यहां पर देखेंगे आपको एक हेडिंग मिलेगी बेस्ट फंड्स टू बाय। ये वो म्यूचुअल फंड है जिन्होंने एक साल में सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। अब आपके सामने ट्रिक खुलती जा रही है कि हम म्यूचुअल फंड कंपनीज का एनालिसिस कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड कंपनीज का एनालिसिस करने के साथ साथ हम इंडिया की वो टॉप 3 म्यूचुअल फंड कंपनीज और फंड मैनेजर की बात करेंगे जिन्होंने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। अब हम ये देखेंगे इनको अगर सबसे ज्यादा रिटर्न हुआ है तो किस कंपनी से हुआ है और कौन सी कंपनी अभी भी इनके पोर्टफोलियो में है जो कंपनी आगे जाके बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले फ्रैंकलिन इंडिया का प्लान है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और इस पे हम जाके चेक करेंगे कि फ्रैंकलिन इंडिया के पास कौन से शेयर्स की होल्डिंग है जो इनको इंडिया का टॉप म्यूचुअल फंड कंपनी बनाती है। जैसे हम फ्रैंकलिन इंडिया पे क्लिक करते हैं आपको बहुत सारी डिटेल दिखेगी। आपको यहाँ पे इसको स्क्रॉल करना है नीचे की तरफ। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करते हैं यहाँ पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट यानी की पॉइंट आपको दिखेगा जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर अवेलेबल है। आप यहाँ पे पोर्टफोलियो पे क्लिक करेंगे, जो पोर्टफोलियो होगा आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपको फ्रैंकलिन इंडिया का पूरा पोर्टफोलियो आपके सामने खुल जाएगा कि इन्होंने कहां किस सेक्टर में कब इन्वेस्टमेंट किया। या आप देखिए इन्होंने जो सेक्टर लोकेशन दिया हुआ है ये बैंकिंग, टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम, ऑटोमोबाइल, फार्मा, यहां इनकी होल्डिंग है और इनका जितना फंड है उसमें से 31% ये बैंकिंग में इन्वेस्ट करते हैं, 10% इन्होंने टेक्नोलॉजी दैट इज आईटी शेयर्स में इनका इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अगर आप ऐसे 5 म्यूचुअल फंड को एनालिसिस करेंगे तो आपको टॉप सेक्टर्स का एनालिसिस मिल जाएगा कि टॉप 5 म्यूचुअल फंड किन 2 सेक्टर्स में पैसा लगा रहे हैं। और जैसे आप 5 म्यूचुअल फंड को देख पाते हैं, 5 म्यूचुअल फंड मतलब कम से कम 10,000 करोड़ अगर 2 सेक्टर में इन्होंने लगाया है तो आप भी जाके उन 2 सेक्टर में बैठ कर पाएंगे। ये तो हुआ सेक्टर एनालिसिस। पर हम देखेंगे इन सेक्टर्स की कौन सी कंपनीज में इन्होंने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। जब आप यहां होल्डिंग्स पे क्लिक करते हैं होल्डिंग्स पे आपको क्लिक करना होगा फुल पोर्टफोलियो पे। जैसे आप फुल पोर्टफोलियो पे क्लिक करेंगे क्वांटिटी के साथ इनकी सारी कंपनीज की लिस्ट आ जाएगी। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं फ्रैंकलिन इंडिया ने सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट किया वो आईसीआईसीआई बैंक ने किया है, टोटल अराउंड 8 लाख शेयर्स वर्थ 25 करोड़ रुपीज, पोर्टफोलियो का 6% इन्होंने होल्ड किया हुआ है। ऐसे आप अपनी लिस्ट चेक कर सकते हैं, एचडीएफसी, यस बैंक, लार्सन टर्बो, एक्सिस बैंक, भारतीय एयरटेल, सारे लिस्ट आपके सामने है। ये टॉप कंपनीज की है, आपको मिड कैप और स्मॉल कैप सारी कंपनीज की लिस्ट इसमें मिलेगी, इन पोर्टफोलियोस में मिलेगी। और एक और चीज आप ये श्योर हो सकते हैं कि म्यूचुअल फंड ने जिन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया है वो काफी स्क्रूटनाइज की हुई, काफी स्टडी और काफी रिसर्च के बाद इन कंपनीज इन पोर्टफोलियो में आई है। और आप एक पोर्टफोलियो ऑब्जर्व ना करें, आप कम से कम 5 पोर्टफोलियो का ऑब्जर्वेशन लें कि 5 पोर्टफोलियो कौन सा कॉमन सेक्टर को ऑब्जर्व करते हैं प्लस कौन सी उनमें कॉमन कंपनीज है जिसमें इन्वेस्टर का सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। और जब आप ये एनालिसिस स्टार्ट करते हैं 5 से 10 म्यूचुअल फंड में अगर एक कंपनी कॉमन है आप बंद करके उस कंपनी में पैसा लगा सकते हैं, आपको लॉस होने के चांसेस मिनिमाइज हो जाएंगे क्योंकि ये वो कंपनीज है जिसमें बड़े प्लेयर की नजर होती है।
इसके साथ साथ अगर आपको यह एनालिसिस करना है कि अगर एक स्पेसिफिक कंपनी में कितना म्यूचुअल फंड होल्डिंग होता है, कितना एफआईआर होल्डिंग होता है, वो इंक्रीज होता है या कम होता है, इसको चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मनी कंट्रोल पे आप जाएंगे। आप मनी कंट्रोल पे जाकर आप देखेंगे, आप जैसे ही मनी कंट्रोल पे आ जाते हैं, यहाँ पे आपको एक कंपनी डालनी है। फॉर एग्जाम्पल आप हमें कंपनी चूज करते हैं, मिड कैप कंपनी एसडीआईएल, हमने हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को सिलेक्ट किया। मुझे अगर ये देखना है कि क्या म्यूचुअल फंड का इस कंपनी में इंटरेस्ट है या नहीं है, ये मैं कैसे चेक कर सकता हूँ, मुझे इसके लिए सबसे नीचे जाना होगा बॉटम पे। और बॉटम पे आप देखेंगे, सबसे जब आप बॉटम पे जाएंगे तो आपको नीचे एक पॉइंट मिलेगा। यहाँ पर जब हम आते हैं सबसे नीचे, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अलग अलग अवेलेबल की होती है आपको। यहाँ पे न्यूज, कॉर्पोरेट एक्शन, इन्फॉर्मेशन, सारी चीजें यहाँ मिल जाएगी। ये स्पेसिफिक एक कंपनी की होती है। आपको यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है, आपको यहाँ पे म्यूचुअल फंड होल्डिंग को सिलेक्ट करना है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और म्यूचुअल फंड होल्डिंग को जब आप सिलेक्ट करेंगे तो इंडिविजुअल कंपनी का म्यूचुअल फंड में कितना स्टेक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कंपनी की मिल जाएगी। और इसके लिए आपको क्लिक करना है म्यूचुअल फंड होल्डिंग पे। जैसे आप म्यूचुअल फंड होल्डिंग पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि जैसे ही आपने क्लिक किया है, या आपको यस दिए हुए हैं कि दिसंबर से लेकर 2013 से मार्च 2015 में म्यूचुअल फंड की इस स्टॉक में क्या होल्डिंग है। यहाँ पर आप देखिए, दिसंबर 2013 में 5,500 करोड़ म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किए थे और आज 2015 में वो अमाउंट बढ़कर 1,36,000 करोड़ रुपीज हो चुका है। तो अब आपको ये एनालिसिस करना इजी हो गया कि क्या म्यूचुअल फंड इस कंपनी में इंटरेस्ट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। इंडिविजुअल स्टडी आप यहाँ पर एक कंपनी को सर्च करके कर सकते हैं और बाकी जितना भी है पोर्टफोलियो टेस्ट के थ्रू हम अच्छी पोर्टफोलियो वाली कंपनी ढूंढ सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी कैसे आइडेंटिफाई करूं, और वो कंपनीज जो बड़े प्लेयर्स ढूंढते हैं, बड़े प्लेयर्स सर्च करते हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब आई होप कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप बहुत अच्छा प्रॉफिट इसमें अर्न कर सकते हैं। That's all.